हाँ जी दोस्तों, आप लोग कैसे हो गाइस? तो वेलकम टू द एसएससी टीम, आई एम योर सीए संजय भैया, सबको नमस्कार मेरे तरफ से। तो दोस्तों, आज हम लोग सीएमए का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है यस्टरडे, मतलब 11th of June, तो आज हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। तो गाइस, दो तीन चीज पहले ही बोल दूं कि ये एग्जाम का जो क्वेश्चन आया था बहुत इजी क्वेश्चन आया था, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं था उसको एक्सप्लेन करने में कितना ही इजी आया था। मतलब 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आया था 15x2, बहुत इजी था, मतलब पूरा बुक से कॉपी पेस्ट था। मैंने वो देखा कि पूरा बुक से उठा दिया लाइन टू लाइन, मतलब लाइन भी ऐसा नहीं कि तुरंत घुमा के दिया, लाइन को कॉपी पेस्ट करके अंडरलाइन कर दिया, इतना इजी तो वो नहीं हो सकता। तो आज चलिए गाइस एक बार डिस्कशन करेंगे पूरा 15 MCQ का, मैं आपको आंसर बताऊंगा और आप चेक कीजिएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ है कितना रॉन्ग हुआ है। और बाकी का जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, जो 5 क्वेश्चन है 14x5 का, वो भी डिस्कशन करेंगे जो सेक्शन डी में। तो चलिए दोस्तों एक बार डिस्कशन करते हैं और इसको थोड़ा जान लेते कितना कौन सही किया है कितना कौन गलत किया। लेकिन गाइस टेंशन लेने का नहीं है, गलत सही वो तो आप छोड़ दो, हो गया एग्जाम। अभी वही है कि थोड़ा आपको, अगर आप बाद में देखना, अभी ये वीडियो देखने का नहीं है, बाद में देखना आपको कि कितना मेरा राइट हुआ, तो आपको वो ना एक आइडिया आ जाएगा, हाँ सर इतना मुझे मिलने वाला। तो वो ऐसा नहीं कि आपको देखना है और आपको वो फ्रस्ट्रेशन उतारना है, कुछ नहीं करना सर, गलत झूठ जो भी हुआ है करेक्ट इनकरेक्ट वो तो हो चुका है, अब छोड़ दो उसको, जो हो चुका है पेपर में छोड़ दो। चलिए एक बार डिस्कशन करके समझ लेते कि पेपर कैसा था और पेपर में टफनेस भी कितना था, ठीक है? चलिए गाइस, तो आप लोग देख रहे हो ये पेपर गिवन है, ओके, और पेपर में आपका साफ साफ दिया हुआ है कि जो मेरा पेपर है आपका पूरा 2022 का सिलेबस है गाइस। इसमें सेक्शन ए में 15x30 मार्क्स का एमसीक्यू है, बाकी 14x5 जो है वो सेक्शन बी में आएगा, ठीक है? तो चलिए अगर एमसीक्यू पहले फटाफट से जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं यही बोलूंगा, क्वेश्चन बहुत इजी था गाइस। क्या था क्वेश्चन? बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन सर, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ इन एनी मॉडर्न सोसाइटी। ये एकदम आपका फर्स्ट चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से आया था। यहाँ पे देखो, कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, ये तीनों ही आपका एक्चुअल में मेजर सोर्स ऑफ लॉ है सर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो आपका मेजर सोर्स ऑफ लॉ में नहीं आता मॉडर्न सोसाइटी में। तो आपका ये जो आंसर होगा ये आपका होगा डी आंसर, करेक्ट आंसर इज डी। तो वन का होगा डी सर, समझ में आ गया एकदम क्लियर। चलिए दो नंबर, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर डीलिंग अनदर इन डीलिंग विद द, किसके साथ? एजेंट जो है ना वो पर्सन एम्प्लॉय होता है किसी दूसरे के साथ, क्या करने के लिए? डीलिंग करने के लिए। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन तो नहीं, सेकंड पर्सन तो आप हो गए, तो वो थर्ड पर्सन होगा आंसर। क्या होगा सर? थर्ड पर्सन होगा आंसर, करेक्ट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी। इन केस ऑफ अ सेल बाय ऑक्शन, अगर आप ऑक्शन में सेल करते हो, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। अच्छा सर, तो इसका आंसर बोलिए क्या होगा? इसका आंसर होगा सर एकदम बढ़िया से, क्या होगा सर इसका आंसर? इसका आंसर बायर होगा। क्या होगा सर? बायर, क्योंकि सर बायर जो है ना सेलर अगर यूज करता प्रिटेंडेड बिडिंग, अगर वो प्राइस को रेस करने के लिए, तो भाई ये जो सेल है ना ये वॉइडेबल हो जाएगा बायर के ऑप्शन में। बायर अगर बोलेगा हाँ भाई वॉइड कर दो वॉइड कर दो, तो वॉइड हो जाएगा सर, एकदम बढ़िया सर। नेक्स्ट देखो सर जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंडोर्समेंट इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो एक्ट है ना एनआई एक्ट, उसमें कौन सा आपका एंडोर्समेंट नहीं है? सर ब्लैंक तो एंडोर्समेंट था, याद आ रहा है सर। सर फुल भी एंडोर्समेंट था सर, याद आ रहा है सर। रेस्ट्रिक्टिव भी एंडोर्समेंट था सर, याद आ रहा है सर। याद आ रहा है सर, एकदम एकदम पूरे एकदम क्लियर कट याद रहा है सर। लेकिन सर हम लोगों ने सीखा था कि रिटेन जो है ना वो तो नहीं है सर, रिटेन जो है वो आंसर आपका नहीं है। तो सर हमको ये चीज पता था कि बेंगलुरु राजस्थान ब्लैंक रेस्ट्रिक्टिव ओके एंड फुल आपका, तो ये तीनों जो है ना सर, बेंगलुरु राजस्थान एंड आपका मैंने बोला था फिनलैंड, ये तीनों को छोड़ के सर जो वेस्ट बंगाल है ना रिटेन है ना वो आपका एंडोर्समेंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एंडोर्समेंट नहीं होता है। लाइक दैट इस तरीके का एग्जाम मैंने यूज किया था, तो ये एग्जाम्पल टाइप का है। तो आपका रिटेन जो है वो आपका एंडोर्समेंट में नहीं आता है, टाइप नहीं है वो सर। उसके बाद चलो, उसके बाद चलते ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते सर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला सर? देखिए, द इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ ए पार्टनर इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द, सर इम्प्लाइड जो ऑथोरिटी है ना, जो ऑथोरिटी रहते हैं पार्टनर, जो पार्टनर जिनको एज अ इम्प्लाइड ऑथोरिटी दिए,
is to carry of a business on the business of the firm in the usual way. Sir, casual way तो नहीं हो सकता, unusual way कैसे होगा, क्योंकि business चलाने के लिए तो unusual way नहीं होता सर, ये special way भी नहीं है, special way भी नहीं है, तो सर normally usual way is the perfect answer for this. 5 का भी होगा correct. और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम एक लाइन में लिखा है. आप अगर मान के चलो, आप अगर एकदम सुंदर तरीके से देखोगे पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, वहां पे ये एकदम लाइन से उठा कर दिया और लिखा है वहां पे यूजुअल वे, इसे अंडरलाइन द यूजुअल वे. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, एकदम समझ में आ गया सर, क्लियर. अच्छा, चैप्टर 5 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स. अच्छा, ये ना चैप्टर 5 चैप्टर 6 इस तरीके से आता है. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आप जब पढ़े हो वहां पे साफ साफ लिखा था कि ये जो चैप्टर 5 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये For which measure to be taken in the factory for the workman employed in the factory, क्या होगा सर? Safety होगा? नहीं सर. So operative होगा नहीं, recreative तो नहीं है सर. तो chapter number 5 में लिखा है सर क्या? Welfare measure. क्या लिखा है सर? Welfare measure. क्या लिखा है सर? Welfare measure. एकदम साफ साफ हो गया सर, एकदम बढ़िया. इसके बाद सर देखो लिखा है section 55. तो सर 5 का आंसर क्या? B हुआ. 6 का क्या हो गया सर? D हो गया. अब 7 section 55 of the code of wages 2019 talks about offense by the companies, composition of offenses, penalty for offenses, impact of offenses. बोलिए क्या होगा सर? एकदम साफ साफ ये भी लिखा हुआ है सेक्शन 55 में, offenses by the companies, offenses by the companies, साफ साफ लिखा हुआ है चीज. एकदम करेक्ट सर, एकदम पक्का, कोई इसमें डाउट नहीं है, एक टका का भी डाउट नहीं. ऑफेंस बाई कंपनीज मीन ये 7 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है सर, अब चलिए अब आ जाते सर 8 नंबर पे. डैश मीन्स अ कंपनी विच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट से आया हुआ क्वेश्चन है. ये एक्चुअल में आपका प्रीलिमिनरी चैप्टर मतलब चैप्टर 1 से आता है. डैश मींस अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. दैट मींस अ कंपनी, ये एक कंपनी है, इन विच अदर कंपनी इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस मोर देन 20% वोटिंग पावर, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी. बस इस कंपनी, ये सब्सिडियरी नहीं है, ये दूसरा कंपनी का जिन्होंने इन्वेस्ट किया इसे. Having such influence and includes joint venture. Sir, इसका answer associate होगा, देखना भी नहीं है sir. इसका answer associate होगा sir. As per section 2 of the Companies Act 2013 में साफ साफ लिखा है कि sir अगर कोई company एक दूसरे company में significant influence बैठा देता है, मतलब 20% voting power, more than 20% voting power, तो उस केस में 20% से लेके 50% तक क्या हो जाएगा? Associate. More than 51 होगा तो sir वो तो subsidiary relationship आ जाएगा, सब्सिडियरी होल्डिंग रिलेशनशिप आ जाएगा. लेकिन अगर आपका 20% से लेकर 50% तक है ना, तो आपका एसोसिएट एंड इन्वेस्टिंग पार्टी का रिलेशनशिप होगा. तो जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टिंग पार्टी, और जिस कंपनी में कर रहा है होल्ड कर रहा है वो कंपनी हो गया आपका एसोसिएट. ठीक है सर, एसोसिएट का करेक्ट आंसर. बढ़िया सर. द एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी इन द एब्सेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी शैल बी साइन बाय. अच्छा सर, ओपीसी में कौन कौन रहता है? एक ही डायरेक्टर रहता है और नॉमिनी रहता है. अगर डायरेक्टर अनसाइंड हो गया, डायरेक्टर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में नॉमिनी देखेगा. लेकिन सर एक चीज याद रखना है कि ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ओपीसी में वो साइन कौन करता है सर? आइदर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी. अगर सीएस एब्सेंट है तो साइन कौन करेंगे सर? डायरेक्टर. तो करेक्ट आंसर इज 9 का डी, डायरेक्टर इज अ करेक्ट आंसर. एकदम बढ़िया सर, क्लियर हो गया. नाउ स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर. स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर. रिपीटिंग अगेन, स्टार्टअप कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर. Okay, not exceeding dash of its paid up capital up to 5 years from the date of its incorporation. एक स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, बट 50% से ज्यादा उसका पेड अप कैपिटल से एक्सेस नहीं करेगा अप टू 5 years from the date of its incorporation. मतलब 5 साल तक इनकॉर्पोरेशन से, 5 साल तक एक स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करता है, लेकिन अप टू 50% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब PUSC. PUS, क्लियर सर? आंसर ए, 10 का आंसर ए हो गया सर. समझ में आ रहा है कितनी इजी था? ये सब उठा उठा के दिया और कुछ नहीं, बहुत इजी थी क्वेश्चन एकदम. ठीक है सर, चलिए अब आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में. ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत, आप बोल सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये सेंसेबल क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर सेंस ऑफ लॉजिक. आपको अगर पता भी नहीं होगा तो कर सकते हो. देखो, वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, the employee stock option scheme shall be issued in accordance with the regulation made by. अगर एक कंपनी का इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसको सेबी का गाइडलाइंस बनने पड़ेंगे
ईशॉप को देने के लिए एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, मींस एम्प्लॉइज को. ईशॉप किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को. तो आपको सेबी का गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे सर, एकदम साफ साफ. ठीक है सर, तो आंसर इज द सेबी, डी इज द करेक्ट आंसर. दर सर 12, वेयर ऑडिटर इज डिससेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड फाइंड्स दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस अ प्रॉपर ओपिनियन. सर क्या दे रहे हैं देखो एक बार. सर यहाँ पे साफ साफ है, यहाँ पे दे रहे हैं साफ साफ. देखिए कि सर वेयर ऑडिटर, अगर ऑडिटर जो है, अगर ऑडिटर कोई भी इंफॉर्मेशन से डिससेटिस्फाई है, उनको ओपिनियन फॉर्म करने में तकलीफ हो रहा है सर, उनको ओपिनियन फॉर्म करने में तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो इस केस में वो क्या देंगे? क्लीन रिपोर्ट देंगे. अरे कैसे, क्या बात कर रहे हो सर, अगर वो खुद डिससेटिस्फाइड है क्लीन रिपोर्ट कैसे देगा? सर एडवर्स देगा? नहीं, क्योंकि वो तो ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर सकता. एडवर्स ओपिनियन कैसे देगा? एडवर्स तभी देता है जब उसको कोई डाउट रहता है. करेक्ट, उसको ऐसा है कि उसको लग रहा है कि ये चोरी है. सर डिस्क्लेमर ओपिनियन समझते, क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं सर, क्वालिफाइड रिपोर्ट तो नहीं देगा सर, यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि उनको ना अपना मतलब स्टेटमेंट देने से दिक्कत हो रहा है, उनको अपना जो डिसीजन है उनको फॉर्म करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन फॉर्म कर देंगे. तो आंसर विल बी द सी. बढ़िया सर, 13 में आ जाना. सर करेक्ट आंसर इज 12 का क्या होगा सर? सी. एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डैश टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न. तो सर एक एक हर एक लिस्टेड कंपनी एक विजिल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करेंगे, किसका? जेन्युइन कंसर्न को रिपोर्ट करने के लिए सर. ऑडिटर का? हाँ नहीं 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 सर. एम्प्लॉय का? हो सकता है सर. कस्टमर का? नहीं सर. एम्प्लॉयज का? है सर, हो सकता है. फाइनेंसर एम्प्लॉय? नहीं सर. विजिल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होता है फॉर डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय, फॉर डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय, आपको याद रखना है. फॉर डायरेक्टर एंड द एम्प्लॉय, ये सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 में लिखा है. सेक्शन 177 सबसेक्शन 9 में लिखा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट द जेन्युइन कंसर्न. एकदम बढ़िया सर. 13 का आंसर हो जाएगा ए सर, परफेक्ट. अब आ जाओ 14 में सर. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. ये तो एकदम लास्ट पॉइंट में, बिजनेस एथिक्स का जो लास्ट चैप्टर है बोल सकते हो, मैं बिजनेस एथिक्स में जो सब चैप्टर है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आता है. इसमें सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये तीनों ही है. कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का बात नहीं है सर. इमोशनल में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कहां से आ गया? इमोशनल में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का कोई जगह नहीं है, तो ये भी सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिस क्वेश्चन है. करेक्ट सर, ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट होगा आंसर. सी होगा एज आंसर. ठीक है, अब इसके बाद देखो, आप इसके बाद 15 आपका क्या आंसर देता है. ठीक है, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफर मस्ट एक्ट एंड टेक डिसीजन इम्पार्शियली, फेयरली एंड ऑन मेरिट, यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बायस. दिस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ इज नोन एज. अच्छा, ऐसा कौन सा डिसीजन है जो बेसिकली फेयरली एंड ऑन द मेरिट यूजिंग द बेस्ट एविडेंस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और बायस वो फॉर्म होते? ऑनेस्टी? नहीं नहीं सर. ऑनेस्टी अलग, सेल्फलेसनेस अलग सर, इंटीग्रिटी अलग सर, ऑब्जेक्टिविटी. आंसर विद द ऑब्जेक्टिविटी. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ पब्लिक लाइफ, होल्डर्स विल एक्ट इम्पार्शियली, फेयरली एंड विदाउट बायसनेस. Without biasness. So this is what the understanding of the question. So guys, मैंने पूरा 15 question का आपको पूरा बता दिया क्या होगा answer. बस अब चले गए section B discuss कर लेते हैं फटाक से. ठीक है, देखिए guys, section B अगर discussion करेंगे तो बहुत easy है section B का part. Section B का part कितना easy है देखो. Explain enforcement of contingent contract with example. Sir बहुत easy है ये तो, बहुत easy है सर, एकदम ही बहुत easy है, मतलब इसमें कोई doubt है, एक रुपये का भी doubt नहीं है. ठीक है, बहुत easy वाला question है एकदम. ठीक है सर, तो आपको ये एक्चुअल में ना आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है. मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये आप देखोगे तो ये एक्चुअल में आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, ये एक्चुअल में आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन बाय चांस ये आपका 7 मार्क का है. तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 मार्क है तो 7 मार्क का क्यों नहीं लिख सकते सर, क्या ही दिक्कत है? अगर 3 मार्क का दिया हुआ है, 7 मार्क का क्यों नहीं लिखते सर? लिख सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअल में, आप बोल सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट से एनुमरेट द ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड केयर टू बी टेकन बाय बेली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेल में. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट से. तो सर 14 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, दोनों क्वेश्चन ही बहुत इजी है. ठीक है सर, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन दिया है? देखिए आपके लिए जो क्वेश्चन दिया है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन. एग्जामिन द ग्राउंड्स ऑन विच द कोर्ट में डायरेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म इन अ सूट. बहुत इजी है ये, एक फॉर्म को डिसोल्यूशन करने का
ऑर्डर कब दे सकता है बेस्ड ऑन द ग्राउंड, कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिस केस में कोर्ट डायरेक्ट आपको कर सकता है कि भाई फॉर्म बंद करो घर जाओ, फॉर्म बंद करो घर जाओ सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका 7 मार्क का। और आपको असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट जो है ना, हाउ डू यू डिफरेंस बिटवीन द नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंसेस आपको करना है। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा 2 और 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप और नेगोशिएशन अच्छा है तो वो 28 मार्क्स तो यहां से उठा लेगा, बाकी का वो 30 मार्क्स छोड़ो यहां से हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन में चलते, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है। मतलब देखो क्या दिया है आपको, लिस्ट ऑफ डिफरेंट पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, तो आपका इंस्पेक्टर का जो डिफरेंट पावर है ना वो लिखना। मतलब ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है सर, इंस्पेक्टर का जो डिफरेंट पावर है ओके अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट वो आपको लिखना है, लिस्ट करना है। और डिटेल अब उसके बाद फोर्थ का बी का है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एप्लीकेशन एंड बिलेटेड एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। एक ग्रेच्युटी एक्ट 1872 के तहत आपको बोलना है कि अगर कोई भी बिलेटेड एप्लीकेशन है या तो कोई एप्लीकेशन जो जमा हुआ है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो आपको डिस्कस करना है, आपको लिखना है सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है। तो चलिए ये हो गया सर। आप 5 नंबर में आते सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी इटसेल्फ, मुझे बहुत जो इंटरेस्टिंग लगता है लॉ में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट। सो कॉर्पोरेट में देखो 5 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सिक्योर डिवेंचर, ये जो सिक्योर डिवेंचर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 सिक्योर डिवेंचर चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल डिवेंचर से क्वेश्चन आया है कि आपको सिक्योर डिवेंचर इशू करने के टाइम पे क्या क्या कंडीशन याद रखना पड़ेंगे। जैसे सर मान के चलो सिक्योर डिवेंचर 10 साल से ज्यादा इशू नहीं कर सकते हो, और या तो आप मान के चलो इशू कर सकते हो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 10 साल कैन बी एक्सटेंडेड टू 30 इयर्स इफ देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। बस सर बहुत सारे और भी कंडीशन है, आपको सिर्फ जॉट डाउन करके वो कंडीशन लिखता है, करीब करीब 8 से 9 कंडीशन है आपको यहाँ पे लिखना है, और सारे कंडीशन बहुत ईजी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है बुक्स में, एटलीस्ट आप देख लीजिएगा एक बार, वहां पे डायरेक्ट दिया सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है ठीक है सर एकदम। आई थिंक सो आई मे रॉन्ग, एक्चुअली मैंने एक चीज गलत बोल दिया, सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है, मैं वो सेक्शन तो ये अब मुझे अभी याद है कि मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, सेक्शन 71 सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है सिक्योर डिवेंचर का कंडीशन इशू करने के लिए ठीक है। जो मैंने आपको बताया 10 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, 10 साल से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको वही है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने पड़ेंगे ठीक है। तो भाई आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 71 से। उसके बाद सर आप क्या बोले सर कि सर कैसा कौन सा सिचुएशन है जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर एज पर द कंपनी एक्ट, सो अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई होंगे कौन सा सिचुएशन में, क्या क्या कंडीशन है वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं तो बोलूंगा भाई अगर किसी का कंपनी एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन लिख के आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम ठीक है। तो सर 2, 3, 4, 5 आई थिंक सो अप टू द मार्क, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आपको कैसा टफ लगा क्वेश्चन, कितना लेवल तक टफ लगा ठीक है, ये मुझे जरूर बताएगा आप कमेंट में। सर 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन कंपनी एक्ट से आपको डिफरेंट पॉइंट टू बी स्टेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय द ऑडिटर एज पर कंपनी एक्ट 2013, तो आपको ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट स्टेट होता है वो आपको जरूर लिखना है। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया ट्रू एंड फेयर व्यू में, कंपनी ने जो भी प्रेजेंट किया उसमें मैनेजमेंट वो सही है कि नहीं, कंपनी ने कोई ऐसे लाइबिलिटीज में कोई ऊपर नीचे किया कि नहीं रिवेल्यूशन वाला, सब चीज आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है जो कि एक ऑडिटर रिपोर्ट में होता है बेसिकली, आपको ये सारी चीज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके लिखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। और आपका शेयर होल्डर का राइट लिखना है एज पर कंपनी एक्ट 2013, ये भी बहुत ईजी है, डिफरेंट राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर एज पर कंपनी एक्ट, मतलब मान के चलो मैं बोलूंगा 5 और 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे ईजी लगा मुझे, 5, 6 बहुत ईजी ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स का आपको नेचर लिखना है पे, हाउ वुड यू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन योर वर्क फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप, तो आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को आपके वर्क में फिजिकल हेल्थ में मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप में किस तरीके से वो इफेक्ट डालता है, तो उसके आपको यहाँ पे इवेल्युएट करके लिखना है। तो गाइस 5, 6, 7 आपका इजी है क्योंकि एथिक्स से 10 नंबर मुनि में आता ही है, यहाँ पे तो दे ही दिया बहुत ज्यादा, ऊपर में भी दिया था ईआई का ईआई का एग्जाम्पल एक्चुअली एप्टीट्यूड वाला, सर बहुत इजी। लास्ट क्वेश्चन सर केस स्टडी में आपको बोलो ये छोड़ दो, फिर भी छोड़ दो, मतलब छोड़ने से भी आपका सब हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आ जाएगा टोटल आपका, कितना क्वेश्चन दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सात क्वेश्चन दिया, उसमें से आपको करना है कितना 5 ही करना है ना, तो आ जाएगा सर बहुत इजी है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लो गाइस, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट से दिया हुआ है ठीक है, जहां पे आप बोल सकते हो कि देखो क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ,
तो मिस्टर अमल जो है वो बैटली ड्रिंक किया था और वो सीट पे बैठ नहीं पा रहा था अपने चेयर में, तो वो एक एग्रीमेंट किया मिस्टर बिमल के साथ 15 जुलाई 2023 इन द इवनिंग टू सेल हिज ऑफिस स्पेस टू हिम विद इन 15 आवर्स 2023। तो गाइस एक महीने बाद मिस्टर अमल मिस्टर बिमल को सेल करेगा अपना ऑफिस स्पेस। नेक्स्ट डे मिस्टर अमल डिक्लेयर्ड दैट ही वाज ओवरड्रंक लास्ट नाइट एंड नाउ ही इज नॉट विलिंग टू ट्रांसफर द ऑफिस स्पेस टू मिस्टर बिमल। ना आप सोचो, एक बंदा ड्रंक करके इवनिंग में बोल रहा है कि मैं सेल करूंगा, दूसरे दिन जब उसका नशा उतर जाता है वो बोलता है कि सर नहीं सेल करूंगा, तो क्या चीज है। तो मिस्टर बिमल आर्ग्यू किया, डेफिनेटली भाई मिस्टर बिमल आर्ग्यू करेगा ना, क्योंकि उसको तो पता है कि ठीक है, अरे कौन दारू पी के एग्रीमेंट करेगा नहीं करेगा, वो क्या है। सोचो प्रैक्टिकली अगर हम देखते तो मैंने तो उसके साथ एग्रीमेंट किया था, वो भी ऑनेस्ट व्यू से, वो भी आप बोल सकते हो कि एकदम फुल गुड फेथ में किया था। दैट इज मिस्टर अमल हैज ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट, ही विल हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हिज नेम। तो आपको डिस्कस करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ लिखना है उसका लॉ लिखना है, केस स्टडीज का जिस्ट लिखना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है और आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है लास्ट, ठीक है। चलिए सर आठ नंबर का बी में जाते, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। मिस्टर वरुण को अपॉइंटेड किया से एडिशनल डायरेक्टर टू लुक आफ्टर द जनरल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी कंपनी का जनरल ऑपरेशन है वो देखभाल करने के लिए मिस्टर वरुण को एबीसी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया। लेटर ऑफ शेयर होल्डर मिस्टर अरुण चैलेंज दैट द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मिस्टर अरुण स्टेटेड इन हिज पिटीशन दैट मिस्टर वरुण इज नॉट कॉम्पिटेंट एज ही डज नॉट होल्ड एनी प्रोफेशनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ओ बाय, अगर मेरे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मेकर तो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बोल सकता हूँ क्या, कहाँ पे लिखा है सर, मान के चलो मैं बोल रहा हूँ। तो गौतम अदानी जी तो है, वो तो सर बीकॉम पास है, तो वो कैसे लिखा है सर, बीकॉम पास भी नहीं हुए हैं, मतलब सर जी सॉरी फॉर दैट, बट सोचो वो भी तो डायरेक्टर है ना। तो यहाँ पर बोले मिस्टर वरुण का एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो सकता है तभी जब उसका अपॉइंट कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है। तो आपको रीजन के हिसाब से बोलना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिसमेडेड शुड रिव्यू एंड चेंजेस इट्स डिसीजन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वरुण and state briefly the qualification required to appoint a director in a company. Company में director को appoint करने के लिए क्या क्या qualification है वो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको ये चीज justify करना पड़ेगा कि सर आपका जो decision है ना मिस्टर वरुण को appoint नहीं करने का वो सही है, with the reason whether board of director should review and change his decision, कि board of director मिस्टर वरुण को जो appoint करने वाला है जो appoint किया वो सही है या गलत है, उसका contention आपको सही तरीके से analysis करके प्रूव करना पड़ेगा ये सही या गलत को, और उसके बाद क्वालिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा एक डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट करने के लिए। तो सर मैं बोलूंगा बहुत इजी क्वेश्चन था, सब चीज बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, हार्ड भी नहीं था, सब चीज हम लोग का हो गया। और गाइस मैं बोलूंगा कोई टेंशन नहीं, जस्ट एक तो रिव्यू था, छोटा सा आपके साथ डिस्कशन करना था, आपको कॉन्फिडेंट है। और जो बच्चे बेसिकली मैं आपको बोलूंगा, आप लोग दिसंबर में दे रहे हो एग्जाम गाइस, मैं आपको भरपूर पढ़ाई करो, बहुत मार्क्स उड़ने वाला है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट लॉ में ना, सॉरी बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में आपको जो मार्क्स है, मेरा भाई सीए का बाद आ जाता है, तो सर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में जो मार्क्स आपको उठने वाला है जबरदस्त उठने वाला है, मैं आपको बोला सिर्फ आपका थोड़ा एफर्ट चाहिए मुझे बहुत ज्यादा, और आप उसमें मेहनत करो एकदम फुल फेजर में, तो आपका मार्क्स भयानक उठेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि हर बार जो भी मैं जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट आते, हाँ एक दो क्वेश्चन इधर उधर तो आएगा, वो तो प्रोफेशनल एग्जाम है, लेकिन मैं आपको बोला अगर आप ध्यान से पढ़ना तो आपको 60-70 तो आ ही जाएगा, मैं आपको ये तो बिलीव है, ठीक है। तो चलिए आज इतना तक ही रखते हैं। तो गाइस आई होप सो कि आप लोग समझे किस तरीके से आपका क्वेश्चन पैटर्न था और कितना लेवल ऑफ हार्डनेस था, कितना इजी था या कितना टफ था, डिस्कस किया। तो गाइस विल कम विद नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग एज वेल एज डायरेक्ट टैक्सेशन, तब तक आप लोग वेट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी एंड हैप्पी स्टडी, बाय बाय गाइस।